हेलो फ्रेंड्स, आज हम कलाभूमि में और हमारे साथ हैं अमिता मैम, जो अभी प्रोफेशनली पूरा ही फाउंडेशन कोर्स कर रही हैं। और अभी मैम जो वर्क कर रही हैं वो चारकोल में है, जिसमें पूरा ही एक रियलिस्टिक वर्क मैम ने किया है, जिसमें एक तरीके से आप चारकोल सॉफ्ट पेस्टल मिक्स मीडिया वर्क हम इसको कह सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम मैम से जानना चाहेंगे कि अभी तक मैम ने जो वर्क किया है इसमें आपने क्या क्या सीखा है। मैम, हाय फ्रेंड्स, मैंने इसमें रियलिस्टिक उठाया था, तो इसमें निकाला बॉडी स्किन कैसे निकालना है, बैकग्राउंड कैसे और हाईलाइट करना है उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो उसकी इस प्रोजेक्ट में मेरा वही लर्निंग था कि आपको स्किन की एक डिटेलिंग है, आप देख सकते हो कि कितना डिटेल निकाला हुआ है मैंने इसमें, तो वो सीखा है। प्लस इस रियलिस्टिक के साथ बैकग्राउंड में मल्टी मीडिया कॉन्सेप्ट था, तो उसको कैसे मर्ज करना है वो सीखा। तो अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कलाभूमि के साथ, आपने जो भी चीजें सीखी हैं उसमें आपकी आगे आने वाले फ्यूचर में या अभी तक वो कितने आपके लिए यूज हो रही हैं? ऑफकोर्स कलाभूमि आना बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। जितने भी मैंने आज तक काम किए हैं और जितने भी एग्जीबिशन में मैंने पार्ट लिया है, हर व्यक्ति ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया। जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर ने जब मुझे जितना अच्छे से सिखाया है और जितना अच्छा वो एग्जीक्यूट हुआ है पेंटिंग में, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो इधर आके तो जितना आप देखिए, पेंटिंग कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन आप उसको इन्हेंस कर सकते हो। और कलाभूमि को मालूम है कि वो कैसे आप कर सकते हो, किस स्टूडेंट में कितना पोटेंशियल है, तो वो कैसे करेगा वो बहुत अच्छा। तो अभी आपने मतलब कितनी आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है? मैंने अब तक 6 to 7 मैं कर चुकी हूँ। ओके, तो उसमें से सबसे बेस्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कौन सा था? सारों में ही मैं किसी को कम नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर एग्जीबिशन में बहुत बहुत अप्रिशिएशन मिले हैं, बहुत काम मिला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी जो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको आप मतलब क्या एक मैसेज देना चाहोगे कलाभूमि के बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में? आओ, ज्वाइन करो, देखो, एक्सप्लोर करो अपनी हॉबी को, और हॉबी को आप अपना पैशन बना लीजिए। पैशन से आप उसको अपना करियर में कब कन्वर्ट कर लोगे आपको पता नहीं। मैंने तो बहुत लेट चालू किया है, अब देखो विद इन 2 ईयर्स मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। थैंक यू सर। चलो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये प्रॉपरली ही कवर कंप्लीट हो चुका है और बस थोड़ी फिनिशिंग बाकी है जो अभी मैम कर रही हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं या फिर एज ए हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो कलाभूमि ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी ही फाउंडेशन बेस पे ही पूरी स्टडी दी जाती है।